ने कल आरंभ की थी से धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच ए बाणी गुरु अर्जन देव जी महाराज दी ए संस्कृत दे च है रागां तो बिना सलोक ए है दसन बेहोन बयंगन मंत्रं गारड़ी निवारण ब्याद उपाड़न संतन नानक लबद करमण है। अखरी अर्थ जैसे मंत्री पंजाबी च कहिंदे ने मांदरी सियाणा जिहदा मंत्र चलदा है जिहदा बोल चलदा है जिन्हें कोई मंत्र सिद्ध कीता है गारड़ी मंत्र दा जप करके सप नूं दंदां तो बिना कर देंदा है सप दी जहर ला देंदा है। अखरी अर्थ दसन दंदां नूं कहिंदे ने दसन बिहोन भयंगन मंत्रं गारड़ी निवारण ब्याद उपाड़न संतन नानक लबद करवणे। कोई विरले इस तरह दे संत जन ने जो प्रभु दा नाम जप जप के जीवन दे चों रोगां दी सारी जहर नूं कढ़ देंदे। ए अखरी अर्थ खुलासा जी दे सामने करां। अज तो अंदाजन 5000 साल पहले रोगां दा इलाज मंत्रां राही हुंदा सी। दाड़ दुखदा है मंत्र, मत्था दुखदा है मंत्र, सप ने डंग मारे है मंत्र, ठूए ने डंग मारे है मंत्र। अजे भी बंगाल दे पिंडां च अफगानिस्तान देच ईरान देच बंगलादेश देच और भारत दे भी पिंडां च मंत्रां दे राहें उपचार होंदा। मंत्र बोल नूं कहिंदे ने,
जिहदा वाक खाली ना जाए, जिहदा बोल खाली ना जाए, जिहदा मंत्र खाली ना जाए, उन्हूं कहिंदे ने मंत्री, पंजाबी च कहिंदे ने मांदरी। किसी एक तरह के विशेष बोल दे च, वाक दे च, शब्द दे च, मंत्र दे च, अपने मन नु एकाग्र करके जपी जाना, जपी जाना, जपी जाना। मन की एकाग्रता करके वाक सिद्ध हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर इस तरह के पुरुष नु कहिंदे ने मांदरी, मंत्री, फिर उसका मंत्र चलता है। मंत्र नु सिद्ध करन दे च किसे दा साल लग जांदा सी, किसे दे 5 साल, किसे दे 10 साल, क्योंकि मन नु एकाग्र कीते बिना मंत्र सिद्ध नहीं आउंदा। ते अंदर पूरन तौर ते भरोसा भी ना होवे ते मंत्र सिद्ध नहीं आउंदा। फिर मंत्र किसे एक ही रोग ते काम आउंदा सी। अगर दाड़ दा मंत्र सिद्ध कीता है तो सिर्फ दाड़ ते ही काम आउंदा सी। ठूए दा मंत्र सिद्ध कीता सी तो सिर्फ ठूए ते ही काम करदा सी। या सप दा गारड़ी मंत्र, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज उस मंत्र दा नाम ही दसदे ने, राजस्थान दे सपेरे उसनूं गारड़ी मंत्र कहिंदे ने। दसन बेहोन भयंगंग मंत्रं गारड़ी निवारं, ब्याद उपाड़न संतन नानक लबद करमण। जिस तरह मांदरी गारड़ी मंत्र नू पढ़ के सप नू सुन कर देंदा है, उदे दंद कट देंदा है, और जद उसने किसी ने डंग मारिया उदी जहर ला देंदा है, ब्याद उपाड़न संतन नानक लबद करमण। खुलासा, प्राचीन काल विच इलाज मंत्रां दे राहे आउंदा सी, और मंत्री हर शहर विच नहीं आउंदे सन, हर पिंड विच नहीं आउंदे सन। किसी नूं कुछ हो गया तो उस शहर विच, उस पिंड विच जाना पैंदा। मंत्र सिद्ध करन विच भी बड़ा टाइम लगता सी, 2-4 साल, 5-10 साल। फिर मंत्र कम भी किसे कई रोग ते आंदा सी, ते कम भी तां करदा सी, रोगी दा भी उस मंत्र दे च विश्वास होवे। जैसे अज भी असी देखदे आं, अद्धा ही कम दवाई कर दी है डॉक्टर दी, अद्धा मरीज दा भरोसा कम करदा। अगर मरीज नु भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो डॉक्टर दी औषधि भी काम नहीं करती। ये भी मैं अर्ज कर देना। इस वास्ते डॉक्टर दी पहले कोशिश होंदी है, विश्वास जमान हुंदी है, ते उन्हूं ए भी दसना है रोगी नु भी तेनू मामूली जिहा रोग है, भावें वड्डा होवे छेती ठीक हो जाएगा, ताकि उसनु विश्वास हो, निश्चय हो। विधि पुराने मंत्रियों ने भी यही अपनाई हुई सी। इसका मैनु थोड़ा जहा जाती भी तजर्बा है। जम्मू श्री गुरु सिंह सभा की गल है, 10 हर साल उत्थे 6वें पातशाह के प्रकाश उत्सव ते जाता रहे, श्रीनगर जम्मू। मेरी उत्थे दाड़ दुखन लग पई और बड़ी जोर दी, घंटा कथा करनी सी, मैं अद्धा घंटा ही कीती, समाप्ति कर दिती। श्री गुरु सिंह सभा दे थले दुकाना ने, मार्केट है गुरुद्वारे दी, उन्हां दुकाना विच एक मोची है नवी जूतियां बना के बेचदा है, पर सवेरे सवेरे जब दुकान खोलदा है मंत्रां दे राहीं इलाज भी करदा है। 10 मरीज भी सवेरे आंदे सन उहदे कोल, इह मैं कई दफा उसनूं देखिया।
जिस दिन मेरी दाड़ दुखदी सी ते मैं कथा पूरी ना कीती मेरे कमरे च आ गया। कहिंदा मस्कीन जी सुनिया थोड़ी दाड़ दुखदी है। मैं कह दुखदी है बड़ी जोर दी। मैं कह दो तीन दिन दी दुख रही है पर अज ज्यादा। डॉक्टर को गया सी कहिंदा सी कढ़नी पैणी। पर मैं आख्या गुरपुरब लंघ जाण दे फिर देखा। मैनू कह लगा कढ़ाण की लोड़ नहीं, आपां पांच मिनटां च ठीक कर देने। मैं कर दें वो कुछ पढ़दा रहा ते फूक मारी। मैनू कहिंदा है मस्किन जी हुण आराम आ गया होना है। मैं कह नहीं कोई आराम नहीं आया। उसे तरह पीड़ा है। उन्हें फिर पढ़ना शुरू किया तो टाइम भी लाया। कह लगा हुण ते बिल्कुल ठीक हो गए। मैं कहना पहले नालों भी वध गई। पता उसने मैनू की आख्या, थोड़ा मेरे ते भरोसा नहीं पिया बजदा, थोड़ा मेरे ते विश्वास नहीं पिया बजदा, मेरा मंत्र कम नहीं करदा। मरीज का भरोसा ना होवे मंत्र कम नहीं करता। मैनू इसकी समझ है। परमात्मा का नाम महामंत्र है। अगर भरोसा ना होवे तो वह भी नहीं कम करता। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया। अंदर भरोसा है, भावना है ते जप रहा है। उसे एक छिन्न देच उस मंत्र ने सिद्ध हो जाना है, चानना कर देना है, प्रकाश कर देना है और सारे रोगां दी निवृत्ति कर देनी है। सर्व रोग का औखद ना। मैं उन्हों कहा भरोसा एवें बजदा है। मैं भरोसा बज जाए तो परमात्मा का नाम महामंत्र है, सारे रोग निकल जाते। और महामंत्र है, कलगीधर पातशाह कहते ने नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, ए प्रभु तेरा नाम मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है। तेरा नाम सब कुछ काम करता है। पर कदों करदा अंदर भरोसा बजे, भरोसा ते डोलदा है, सारी जिंदगी डोलदा रहिंदा है। गुस्ताखी माफ, चंगियां चंगियां दा डोलदा रहिंदा है, रोज आण वालियां दा डोलदा रहिंदा है, नितनेम करण वालियां दा डोलदा रहिंदा है। इसे वास्ते ते बेनती करनी पैंदी है, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ डोलदा की है भरोसा। रोज डोलदा है, भरोसा बजदा है, डोल जांदा है। हालात कुछ इस तरह के वापर जांदे ने जो साड़ी रुचि के अनुकूल नहीं आते तो भरोसा डोल जाता है। भरोसा बनता है, भरोसा डोलता है, भरोसा बनता है, भरोसा टुटता है। सारी जिंदगी इस तरह ही लंघती है। मनुख के अंदर निरी श्रद्धा नहीं है, शक भी है। श्रद्धा है गुरुद्वारे आ गया, अंदर शक भी है। गुरु की हर गल नहीं मननी, और पता नहीं गुरु जो कुछ कह रहे हैं ठीक भी है कि नहीं। मनुख नु कई थावां ते भरोसा बज जांदा है। इस वास्ते पुत्र दी नाजायज गल भी मन लैंदा है, मित्र दी गलत गल भी मन लैंदा है, भरोसा है। पत्नी दी गलत गल भी मन लेगा, भरोसा है। पति दी गलत गल भी मन लेगी, भरोसा है। मित्र दे कहने ते शराब भी पी लेगा, गुरु दे कहने ते अमृत भी छकण नूं तैयार नहीं, भरोसा नहीं है। भरोसा डोलदा है। अंदर श्रद्धा भी है, गुरु को आ गया है। अंदर शक भी है, गुरु की हर गल मनण वाली नहीं है। सारी जिंदगी इस तरह ही रहती है। इस वास्ते कुछ प्राप्ति भी नहीं आती। श्रद्धा है, शक है, ये इस तरह है जिमें कोई मनुख एक कदम अगे चले, एक कदम पिछे चले, एक कदम अगे चले,
एक कदम पिछे चले तो सारा दिन इस तरह ही चले, कित्थे पहुंचेगा, किधरे पहुंचेगा, किधरे भी नहीं पहुंचा। गालबन मैं 48 साल हो गए कथा कर दें। भारत के कुछ शहरों च मेरा अजे तक नागा नहीं पे, मैं हर साल जाना बॉम्बे इंदौर कानपुर लखनऊ दिल्ली गुरुद्वारा सेजगंज साहब दरबार साहब अमृतसर। 40-45 साल जेडे बंदे मैं देखे चढ़दी जवानी च आंदे सन अज बुढ़े हो गए अज भी उत्थे दे उत्थे ने मजाले एक इंच अगे चले होन। उदों भी जिंदगी बेरस सी अज भी बेरस। उदों भी बड़ा प्रबल लोभ सी अज भी बड़ा प्रबल लोभ। उदों भी चिंता च रहिंदे सन अज भी चिंता च। उदों भी वैर विरोध नाल भरे हुए सन अज भी वैर विरोध। कुछ भी उन्नति नहीं हुई। कीता भी बड़े है चले भी बड़े ने, पर चलना इस तरह एक कदम अगे एक कदम पिछे एक कदम अगे एक कदम पिछे, कदी शरदा कदी शक कदी शरदा कदी शक डोलदा रहा। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है प्रभु दा नाम, और प्रभु दा नाम जिसने सिद्ध कर लिया, जिसने सिद्ध कर लिया उसकी की पहचान होगी। जिमें भोजन की बुरकी मूह च पाईए तो जबान नू रस आ जाता है। अजे कंठ तो थले ते नहीं हुई, अजे पची ते नहीं, अजे खून ते नहीं बनी, अजे शरीर का हिस्सा ते नहीं बनी, पर स्वाद आ गया, रस आ गया। वाहेगुरु आखदे आ जद रस आण लग पवे, वाहेगुरु आखे है ते रस नाल भर गया है, तो फिर गुरबाणी कहिंदी है वाहेगुरु इहदी रसना ते वस गया। प्रभ जी वसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु दा नाम इहदी रसना ते वस गया। रोम रोम दे च भी वस जाएगा, जिवें भोजन की बुरकी थले जाए ते पच के जद हुन बनती है तो सारे शरीर चलती है। पर पहले तो मूह च पाते हैं ना, पहले तो जबान नू रस आता है। वाहेगुरु वाहेगुरु जपदिया जिन्हों रस आन लग पे, समझ लो प्रभु का ना रसना ते वस गया। प्रभु जी वसे साध की रसना, क्योंकि रस आन लग पे, स्वाद आन लग पे। जेदी रसना ते वाहेगुरु वस गया, प्रभु वस गया, उदी रसना दा बोल खाली नहीं जांदा, कम करदा। उनू कहिंदे ने इहदे कोल वाक सिद्धी है, इहदे कोल शब्द सिद्धी है, इहदे कोल मंत्र सिद्धी है, वो मंत्र कम करदा है। और इसने अगर गुरु दा शब्द सिद्ध कर लिया, वाहेगुरु मंत्र सिद्ध कर लिया, सारे रोगां ते कम आउंदा है। सर्व रोग का औखद नाम, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। इस सब तो वड्डी औषधि है और सारे रोगां दी औषधि है, पर बदकिस्मती औषधि आप ही बनानी पैंदी, आप ही खानी पैंदी, नाम आप ही जपना पैंदा है। संसार दे सब कुछ रेडीमेड मिल जांदा है, बना बनाया भोजन रेस्टोरेंट तो मिल जाएगा, सिले सिलाए कपड़े रेडीमेड कपड़े मिल जाएंगे, बना बनाया मकान मिल जाएगा, साजो समान मिल जाएगा, बना बनाया मिल जाता है पैसों नाल। पर मैं अर्ज करा पैसों नाल जपया जपाया नाम नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, आप जपना पैंदा। आपण हथी आपणा आपे ही काज सवारे, नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता तो संसार दी सिर्फ एको ही अवतार दी लोड़ सी, उन्हें सारिया नू दे देना सी, ते जिन्हां कोल है सी उन्होंने अगलिया नू दे देना सी, परिवार नू भी दे देना सी। पर ऐसा ते कदी होया ही नहीं। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, सारा देश कदी धार्मिक नहीं हो सकिया, देश दी गल छड्डो, सारी कौम भी कदी धार्मिक नहीं हुई, कौम दी गल भी वड्डी है।
सारा परिवार भी कदी धार्मिक नहीं होया, अवतारा का भी पूरा परिवार धार्मिक नहीं सी। दो चार मैं उदाहरण दें, प्रहलाद धार्मिक है, उसका पिता धार्मिक बिल्कुल नहीं, उसे दुष्ट है, उसे बैरी है। धन गुरु रामदास जी महाराज गुरु नानक की गद्दी के वारस ने, चौथे गुरु नानक, उन्हां दा लड़का पृथ्वीचंद वड्डा सारी जिंदगी पहले गुरु रामदास जी नाल झगड़दा रहा, फिर गुरु अर्जन देव जी नाल झगड़दा रहा। धन गुरु रामदास जी महाराज नूं कहना भी पिया, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, पंक्ति है, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगड़त पाप। पाप करना, क्यों करना, प्यो नाल झगड़ना, पिता वकत दा अवतार है, ये वड्डा साहिबजादा कुछ भी नहीं, ये भी मैं अर्ज करते हैं। राम वकत दे अवतार ने, उन्हां दी मतरेई मां कह कही कुछ भी नहीं, उन्हें ते 14 साल का बनवास दे दिता है। श्री कृष्ण वकत दे अवतारी पुरुष ने, उन्हां दा मामा कंस उन्हां दी जान दा वैरी है। अवतारां दा भी सारा परिवार धार्मिक नहीं होया, कदी नहीं होया। मीरा धार्मिक है, उहदा पति धार्मिक नहीं सी, उन्हें घरों कढ दित्ता सी। शायद जिन्हां ने इतिहास पढ़िया होवे, हिंदू जगत विच राजस्थान दे अंदर चित्तौड़गढ़ दी महाराणी मीरा, महाराणी सी, राजे दी औरत सी, लेकिन अठे पैर बंदगी करदिया करदिया समाधि लीन हो गई। चित्तौड़ दा राणा कहन लगा, मैनू पत्नी चाहीदी है, संतनी नहीं चाहीदी, घरों कढ दिता। पहले जहर दे के मारन दी कोशिश कीती, नहीं मरी, फिर घरों कढ दित्ती। राजस्थान के जंगलों के धक्के खांदी रही, कोई शहर के नहीं वड़न देता सी, मंदिर के नहीं वड़न देता सी। जिन्हां जिन्हां रुखां थले उसने रात कट्टी, राजस्थान के रजवाड़िया ने अज वड्डे वड्डे मंदिर बनाए ने। अज मीरा धार्मिक है, उहदा पति धार्मिक नहीं है। त्रिलोचन धार्मिक है, उसकी पत्नी धार्मिक नहीं है। तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के त्रिलोचन के बोल पढ़ लो, वो अमृत वेले उठ के प्रभु का भजन करता है, सत्संगी आ जाते हैं, उसके कोल बैठते हैं, तो अमृत वेले उठ के ही उसकी पत्नी सत्संगियों को, त्रिलोचन को, तो परमात्मा को गालां कढ़नी शुरू कर दी। शब्द है तनासी राग दे, नारायण निंदस काहे भूली गवारी, ऐ गवार स्त्री। क्यों नारायण की निंदा करती, क्यों प्रभु, सब कुछ उसे दा दिता है, ये तन मन ये ज्ञान इंद्रिय सब कुछ उसे दा है, ये सूरज की रोशनी, ये वगदी, ये पवन, ये धरती, सब कुछ उसे दी देना। नारायण निंदस काहे भूली गवारी, दुकरत सुकरत थारो करम रे, दुख सुख ते तेरे कर्मां दा फल है, तू जो बोया है वो खांदी है, उहदे च नारायण की करे। घर विच औलाद नहीं सी, दुखी सी, और इसे शब्द दी अखीरलियां पंक्तियां थानू सरवण करावां। पूर्व लोकृत कर्म न मिटेरी घर गैण, मैं जो बीज चुकिया मैनू खाना पैगा, आप बीज आपे ही खा। परमात्मा दे दरबार दे साडा फैसला किस ढंग नाल हुंदा है, साडा रंग रूप देखिया जांदा है, नहीं, परमात्मा दा अपना ही कोई रंग रूप नहीं है। अरूप है अनूप है, चक्र चेन अर वरण जात, अर बात न हिंजे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत कह। साडी जात पात दे मुताबिक फैसला हुंदा है, परमात्मा दी अपनी जात पात कोई नहीं है, ना दात है ना मात है, ना जात है ना पात है।
ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਸਾਂਵਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਵੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਵੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਰਸਤਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਰਸਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਪੰਥ। ਤੋ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ, ਜੈਨ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ, ਬੌਧ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪੰਥ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨੈਚਰਲ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਵੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਵੇ। ਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਾਤ ਫਰਕ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਵਰਨ ਕਰਕੇ, ਕੌਮ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੀਜਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੀਜਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਲ ਹੈ, ਕਰਮ ਬੀਜ ਹੈ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਉ ਕਾਹੂੰ ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀਰ ਅਲਗ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਆਪ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੈਦ ਰਾਜ ਆਏ, ਸਿਆਣੇ ਆਏ, ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਏ। ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀ ਆਏ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬੜਾ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਰੋਗ ਵੀ ਜੜੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰੋਗ ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹਾਰਕ ਰੋਗ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਦਪਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹਾਰਕ ਰੋਗ।
आयुर्वेद शास्त्रां दे जिहड़ा मेघ विनोद जड़ी बूटियां दा शास्त्र है धनंतर दा लिखिया होया उन्हें दो लफ्ज़ बड़े उत्थे कीमती वरते ने आहार चिकित्सा आहार रोग खाना पीना रोग है खाना पीना औषधि है खाना पीना जहर है खाना पीना अमृत है आहार रोग खाना पीना रोग है आहार चिकित्सा खाना पीना औषधि है इलाज है दवाई है दारू है अमृत है तो सुई आखोगे आहार दे नाल खाने नाल इन्हें दो शब्द क्यों जोड़ लें दो हालत क्यों आहार रोग आहार चिकित्सा गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार तन भी रोगी बने मन भी रोगी बने और दे की अर्थ करोगे मैं निकम्मे चौंके चक्रां दे च नहीं पैंदा गुरबाणी ग्रामर अनुसार थोड़े सामने मैं अर्थ रखा एवें जज्बाती ते जिहड़े अर्थ थानू सुनाए जांदे नहीं ने बाबा होर खाना खुशी खवार भुख ते है नहीं पर मैं खा रहा हूँ एक एक बुरकी रोग पैदा करेगी होर भुख तो होर मैनू भुख लगी है मैं खा रहा यह खाना सहज है मैनू भुख नहीं लगी तो मैं खा रहा यह खाना सहज नहीं है यह भोजन की एक एक बुरकी रोग पैदा करेगी लाजमी पैदा करेगी मुहम्मद साहब दे समय ईरान चो एक हकीम जद्दा गया छे महीने तक जद कोई रोगी ना आया वो बेचारा अपना साजो समान लेके खच्चर ते लद के वापस ईरान आन लगा ते सोचिया चलो मुहम्मद साहब नू सलाम करदा जा सलाम करके कहन लगा हजरत मैं जा रहे अपने वतन इत्थे मेरा काम नहीं चलना चलिया ही नहीं मेरा काम कोई रोगी नहीं आया मुहम्मद साहब कहने लगे ठीक है तेनों जाना ही चाहिदा है क्योंकि मैं अपनी उम्मत नू शिक्षा दिती है पूरी भुख ना लगी होवे ते रोटी खानी नहीं एक बुरकी दी भुख रहिंदी होवे ते छोड़ देनी रोगी नहीं आएगा कोई आहारक रोगी नहीं आएगा तो तू इसे दा इलाज कर सकता है मानसिक रोग दा नहीं कर सकता आहार रोग बाबा और खाना खुशी खुआर भुख ते है नहीं खाई जा रहा एक एक बुरकी रोग पैदा करेगा और शरीर दे बैलेंस नू संतुलन नू बिगाड़ के रख देगी पंज तत्त जिहड़े ने इन्हां दा बैलेंस बिगड़दे आ शरीर बादी हो सकता है शरीर पित प्रधान हो सकता है सिर शरीर कफ प्रधान हो सकता है बैलेंस बिगड़ गया पानी का एक कफ प्रधान हो जाएगा इनू दमा इत्यादिक होर भी बथेरा कुछ हो सकता है संतुलन बिगड़ गया गर्मी का शरीर दे क्योंकि परमात्मा ने अंदर नाप तोल के गर्मी रखी है तो इनू पित प्रधान रोग हो सकते हैं कई तरह के रोग हो सकते वायु प्रधान बादी हवा हवा का बैलेंस अंदर बिगड़ गया ऐसिया चीजा खांदा रहा है जो वादी सन बाद हवा नु कहते हैं आयुर्वेद आचार्य कहते ने शरीरक रोग पैदा ही इन्हों तिना तो होंगे वात पित्त कफ बैलेंस दे बिगड़ते हैं तो जड़ी बूटियां इस बैलेंस नु ठीक कर दी सिर्फ शरीर दे रोग दा इलाज है लेकिन सिर्फ शरीर रोगी थोड़ी आंदा है मन दे रोग ने इस युग दे च इस सदी दे ते मानसिक रोगां दी भरमार हो गई है मेंटल हॉस्पिटल दे च पागलां लई थां नहीं रही दिमागी संतुलन डावां डोल होंदा जा रहा ये आहारक रोग नहीं मानसिक रोग ने और वधदे जा रहे सारी दुनिया
चिंता मानसिक रोग है, क्रोध मानसिक रोग है, शिखर तो वधे होया लोभ अहंकार मानसिक रोग है। ये मन दे संतुलन नु बैलेंस नु बिगाड़ के रख देंदे। एक वैद बढ़िया दवाइयां सजा के बैठा सी, ते मरीज भी उदे कोल आ रहे सन, नबज देख के दवाई दे रहा सी। धन गुरु नानक देव जी लंघे और हस पे। वैद सतगुरु नु देख के थले आया, सजदा कीता, आख्या महाराज आप हस पे हो मैनू वेख के, मरीजा नु वेख के या मेरिया दवाइया। सतगुरु कहन लगे तिन्ना नु वेख के हासा आया। क्यों? तेनू मूल रोग दा ते कोई ज्ञान नहीं, तेनू रोगां दी जड़ दा ते कोई ज्ञान नहीं है, ते वैद बने होया। मरीजां ते भी हासा आया है, जिसनू मूल रोग दा ही ज्ञान नहीं, उदे कोल इलाज कराण वास्ते आए ने। ते तेरियां दवाइयां ते भी मैनू हासा आ गया है, जो मूल रोग नू कटदियां ही नहीं, ते सजा के रखियां होईयां ने। वैद हाथ जोड़ के कहिंदा है महाराज फिर वो मूल रोग की है। गुरु ने कहा जिन्हों तू ठीक कर देना है, वो क्या तेरे को फिर नहीं आंदा? महाराज फिर भी आंदा है। इहदा मतलब है तू रोगां दी जड़ नहीं कटदा। दर्द होवे दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना वीर। ये दारू रोगां दी जड़ नूं नहीं कटदा, नहीं कटदा। फिर महाराज वो जिहड़ा जड़ है, वो जिहड़ा बुनियादी रोग है, वो की है? धन गुरु नानक देव जी दसदे ने, ध्यान नाल सुनना। सतगुरु कहिंदे ने दुख विछोड़ा एक दुख भुख, एक दुख सकत वार जम जो, एक दुख रोग लगे तन धाए वैद ना बोले दारू लाए। ये जिहड़ा मन परमात्मा नू भुला के टुट के जी रहा है, बेशतर रोग इस तों पैदा होंदे ने। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे, ये मूल रोग है। भाई साहब भाई नंद लाल का एक वाक, गम चे बाशद दुख की है, गम की है, गफलत अज याद ए खुदा। भाई साहब कहते ने परमात्मा नु भूल जाना ही दुख है, रोग है। औषधि की है? याद आंबा मुंतहा, उदी याद ही महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जी। भाई साहब ते अगे होर भी कहने ने, हर चे गाफिल शुद्ध, भाई साहब भाई नंद लाल, हर चे गाफिल शुद्ध अज नादां भवन, गर गदा बाशद व गर सुल्तान भवन। अगर बादशाह है या भिखारी है, परमात्मा नु याद नहीं करदा, भुलिया होया, ते दोवे मूर्ख है। निर्धन है ते चाहे धनवान है, पढ़ा लिखा है ते भावे अनपढ़ है, दोवे मूर्ख। एक अनपढ़ मूर्ख है, एक पढ़ा लिखा मूर्ख है। पढ़िया मूर्ख आगे जित लभ लोभ अहंकार। हर चे गाफल शुद्ध अजना दान भवन, गर गदा बाशद व गर सुल्तान भवन। भावे बादशाह है भावे निर्धन है, अगर प्रभु नु याद नहीं करदा तो महामूर्ख है। मूर्खां सिर मूर्ख, मूर्खां सिर मूर्ख है, जे मन्ने ना ही ना गुरु नाम। उन्हों भूल जाना ही महारोग है। दुख विछोड़ा एक दुख भुख, एक दुख सकत वार जम दूत। एक दिन रोग लगे तन धाए वैद ना बोले दारू लाए। असली वैद कौन है? नाम जप जप के जिन्हें अपने तन ते मन चो सारे रोग कढ़ लेने।
रोग सोग दुख जरा मरा अल जने नहीं निकटानी। कोई मानसिक रोग संत कोल नहीं आता। निक्की निक्की गल ते क्रोधित होंदे मैं संत देखे ने, नाराज होंदे मैं संत देखे ने, हंकार दी पंड चुकी हुई संत ने। इतने आम बंदियां नालों भी थले दे लोग ने, पर मनुख नूं समझ नहीं है। अक्सर मैं अर्ज करना हुंना संत नूं कौन समझेगा। एक बच्चे नूं की पता है जवानी की होंदी है, भावें जवान उसके सामने ने, भावें प्यो दा जवान होवे, भावें भरा उसका जवान होवे, पर एक मासूम बच्चे नूं की पता है जवानी की होंदी है। जवान होके ही पता चलता है जवानी की है, जवान की उमंग की है, तरंग की है, वासना की। एक बच्चे को की पता, जवान होके पता चलता है जवानी की है। तो एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की होता है, भावें बुढ़ा उसका प्यो होवे, दादा होवे, बुढ़े उसके सामने होवन, जवान नूं कोई नहीं पता बुढ़ेपा की होता है। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, बुढ़ेपे की मजबूरी की है, बुढ़ेपे की महानता की है, बुढ़ेपे का ज्ञान ते समझ की है, बुढ़ेपे की मूर्ता की है, जवान नूं की पता। पर एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की है। यह भी महसूस करता है, भावें सैकड़े दफा शमशान घाट गया हो, भावें सैकड़े मुरदियां नूं इशनान कराया हो, एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की है। संत हो के ही पता चलता है संत किनू कहिंदे ने। ए वड ऊचा होवे कोए तिस ऊचे को जाने सोए, दूर क्यों जाइए परमात्मा होके ही पता चलता है परमात्मा की है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, सच भयो अन कते न जाई। कबीर कहिंदे मैं सच हो गया, प्रभु हो गया। संतां दी संगत करदिया करदिया संतन संग कबीरा बिगड़ियो सो कबीर राम होए निगर, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, सच भयो अन कते न जाई। बूंद जब सागर दे लीन आउंदी है तां पता चलता है सागर कितना महान है। प्रभु विच लीन होके उहदी महानता का पता चलता है। तो इतनी विचारां इस वक्त प्रवान करने हैं। एक संत जब प्रभु का नाम जपदा है उहदा मानसिक रोग चला जांदा, उहदा क्रोध दया च बदल जांदा है, उहदा लोभ सबर संतोख दे च बदल जांदा है, उहदा मोह प्रेम दे च बदल जांदा है, उहदा हंकार निर्माणता दे च बदल जांदा है, उहदा काम शील संजम ते सिर्फ ग्रस्त दी सीमा तक रह जांदा है। वो मानसिक तौर ते नवा नरोआ हो जांदा है। ते जैसे मन दे चों रोग निकलदे ने उहदे तन दे चों वी निकल जांदे ने। रोग सो रोग तन दे च आउंदे ने, सोग मन दे च आउंदा है। रोग सो दुख जरा मना हर जने नहीं निकटानी। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भावें जहर होवन पर संत प्रभु का नाम जप के इन्हां नूं अमृत बना देता है। सुंदर फुलां दे बीज बड़े करूप आउंदे ने पर किसान जद बो देंदा है बड़े सुंदर फुल निकलदे ने। क्रोध भावें करूप होवे नाम जप के क्रोध ही दया बन जाता है, वीर रस बन जाता है। अहंकार ही निम्रता का रूप धारण कर लैंदा है, लोभ ही सबर संतोख बन जाता है। इसनों डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहिंदा है, जो जहरे हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। इते पीण दा ढंग है, जे तेनों आ जाए तो जहर अमृत है, ते जे पीण दा ढंग नहीं आया तो अमृत भी जहर है। जीण दा ढंग आया तो जिंदगी अमृत है, जे जीण दा ढंग नहीं आया तो जिंदगी भी जहर है। वर्तन दा ढंग आ गया तो पदार्थ अमृत ने, वर्तन का ढंग नहीं आया तो सारे पदार्थ जहर ने। रहन का तेनों ढंग आ गया तो परिवार भी अमृत है, तो जे परिवार दे तेनों रहन का ढंग नहीं आया तो परिवार भी सारा जहर। जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। श्लोक फिर आपनों सरवन करावां ते समाप्ति। दसन बिहोन भयंगंग मंत्रन गारड़ी निवारन। जैसे गारड़ी मंत्र दा जप करके सिद्ध करके सपेरा सप नूं दंदां तो बिना कर देंदा है, सप दी जहर ला देंदा है। ब्याह दो पाड़न संतन नानक लबद करने।
विरले कोई संत जन ने जो प्रभु का नाम जप जप के जीवन विचों सारी जहर कट देंगे ते जीवन नू नवा नरोआ जो है बना देंगे ने इतनी विचार प्रवान करनी इतवार अंदाजन 12 बजे फिर दास आपके चरण परसे गए काजरी इतवार दी हूं दास ने 8 बजे के 10 मिनट तक नानक सर गुरुद्वारे हाजरी भरनी है उत्थे एक लड़ीवार विचार चल रही है सलोक मरदाना जो मरदाने दे प्रति उच्चारण किया है धन गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उदी विचार कुछ संतां दी मन ते दास ने आरंभ की थी जिन्होंने समा हो पहुंच सकते हैं फुल सुख दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।